वेलकम टू साथ एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं रजविंदर कौर साथ एकेडमी पर आपको इंग्लिश टीच करती हूं और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती रहती हूं। और आज मैं एक बार फिर होमोफोन्स के कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ हूँ। तो आज जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं होमोफोन्स के, वो हैं वेस्ट वेस्ट, ठीक है, जिनकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है, जिनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिनके स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन साउंड सेम है। होमोफोन्स, मैंने आपको यही बताया था ना, होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड, जिनकी सेम साउंड हो। अब यहाँ पर जो ये वेस्ट है, WAIST वेस्ट, इस वेस्ट का मतलब होता है कमर, और ये वाला वेस्ट है जो WASTE, ये होता है बर्बाद करना, वेस्ट करना। पीपल इन इंग्लैंड वेयर वेस्ट कॉट, इंग्लैंड के लोग वेस्ट कोट पहनते हैं। वेस्ट कोट मतलब कमर कोट पहनते हैं वो, ये कमर से मतलब है यहाँ पर वेस्ट। और लॉट्स ऑफ फूड गो एज अ वेस्ट, ज़्यादातर खाना, लॉट्स ऑफ फूड, ज़्यादा खाना वेस्ट जाता है, बर्बाद जाता है, जैसे कि होना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है यॉक यॉक, दोनों को बिल्कुल सेम बोला जा रहा है, यॉक यॉक, स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, YOKE YOLK। यहाँ पर यॉक से मतलब है जुआ और वहाँ पर यॉक से मतलब है जर्दी। मतलब यॉक, जैसे कि ये दो बैलों से काम करवाते हैं ना खेत में, तो यहाँ पर ये जो इन दोनों बैलों को बांधते हैं, यहाँ पर जिस लकड़ी से इनको बांधा गया है, दोनों को इकट्ठा किया गया है, तो इसको हम जुआ बोलते हैं, इसको हम यॉक बोलते हैं। तो ये एवरी फार्मर नोज हाउ टू यॉक द ऑक्सन टुगेदर, तो ये हर एक किसान जानता है इस जुए को, ठीक है, इन बैलों को बांधने से ये हर एक किसान जानता है। तो ये होता है जुआ, ये होता है यॉक। नेक्स्ट है जर्दी, जर्दी हम बोलते हैं जो ये एग का ये जो येलो वाला पार्ट होता है, इसको हम यॉक बोलते हैं, इसको हम जर्दी बोलते हैं। यॉक इज द मोस्ट न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ एन एग, जो यॉक है, जो ये जर्दी है, वो सबसे पौष्टिक पार्ट है एग का। ओके, नेक्स्ट है स्टेयर्स, स्टेयर्स, यहाँ पर इस स्टेयर्स का मतलब है सीढ़ियाँ और इस स्टेयर्स का मतलब है घूरना। ओके, ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉक डाउन द स्टेयर्स, उसने नीचे जाने के लिए रेलिंग पकड़ी, रेलिंग होती है ये, इसको हम रेलिंग बोलते हैं, और स्टेयर्स है ये सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है स्टेयर्स, इसका मतलब होता है घूरना। द कैट सिट्स इन द विंडो एंड स्टेयर्स एट द स्क्विरल, कैट बिल्ली विंडो में बैठती है और गिलहरी की तरफ घूरने लगती है, गिलहरी की तरफ घूरती है, तो यहाँ पर स्टेयर से मतलब है घूरना। ओके, नेक्स्ट है सेल, सेल, ये सेल है बेचना और ये सेल है कोशिका, जो जैसे कि हमारी जो बॉडी है बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बनी है, वो सेल वो है। दे सेल द थिंग्स, वे वस्तुएं बेचते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, तो यहाँ पर जो ये सेल है ये है बेचना, और अमीबा हैज़ अ सिंगल सेल, अमीबा के अंदर सिंगल सेल है, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है अमीबा को। नेक्स्ट है हेल, हेल, यहाँ पर इसके स्पेलिंग देखिए, हेल के HEEL और यहाँ पर है HEAL, यहाँ पर इस हेल से मतलब है एडी से और इस हेल से मतलब है घाव भरने से, एडी जो हमारे पैर की एडी होती है। द हेल ऑफ माई फुट हर्ट्स, ठीक है, यानी कि मेरे पैर की एडी में चोट लगी है। इट विल टेक हिम टाइम टू हेल, उसको घाव भरने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर इस हेल से मतलब है इससे, घाव से, घाव भरने से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है देखिए इसकी, ही पुट हिज आर्म अराउंड हिज डैश, यहाँ पर पुट्स आएगा, सॉरी, ही पुट्स हिज आर्म अराउंड हिज, तो अराउंड हिज वेस्ट, ठीक है, उसने आर्म उसके वेस्ट कमर में लगाई, मतलब अराउंड हिज वेस्ट, ठीक है, कमर को पकड़ लिया उसने, जैसे फ्रेंड्स करते हैं ना जब मिलते हैं, तो वो वेस्ट।
नेक्स्ट है द ऑक्सन वर हिज टू द वुडन डैश. अब वुडन डैश, वुडन क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सन है तो यहाँ पर होगा यॉक ये. ओके नेक्स्ट है वी वॉक्ड अप अ फ्लाइट ऑफ डैश. अब हम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से गए, तो यहाँ पर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स ये होंगी ठीक है. यहाँ पर जो स्टेयर्स के लिए हम कलेक्टिव नाउन फ्लाइट यूज करते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. दे डैश वेरियस काइंड्स ऑफ गुड एट दैट स्टोर्स. अब यहाँ पर गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स मतलब कई तरह के गुड्स सामान ठीक है उस शॉप स्टोर में बेचे जाते हैं. तो बेचने से क्या मतलब है, बेचने वाला सेल हम यूज करते हैं एस ए डबल एल सेल. नेक्स्ट है माई शूज वर अनकम्फर्टेबल सो आई हैव अ रियली बैड पेन इन माई डैश राइट नाउ. अब यहाँ पर माई शूज वर अनकम्फर्टेबल, मेरे शूज अनकम्फर्टेबल थे मतलब आरामदायक नहीं थे वो, सो इसलिए आई हैव अ रियली बैड पेन इन माई डैश राइट नाउ. इसलिए मेरे मतलब बहुत बुरा दर्द है माई किसमें, हील एडी में राइट नाउ अभी. तो हील एडी वाला हील कौन सा होता है, ये एच डबल ई एल हील. ओके नेक्स्ट डोंट डैश लाइफ इन डाउट्स एंड फियर्स. तो डाउट्स होती हैं शंकाएं और फियर्स होता है डर ठीक है. तो डोंट डैश लाइफ, तो लाइफ को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए शंकाओं में और डर में. नेक्स्ट ब्रेक एन एग इनटू अ बाउल एंड सेपरेट द वाइट फ्रॉम द डैश. अब यहाँ पर ब्रेक एन एग, अब एक एग को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया इनटू अ बाउल, बाउल में, एंड सेपरेट उसको अलग किया गया किससे, वाइट फ्रॉम द योक ठीक है. वाइट पन आप जानते ही हो एग का, और पीलापन उसको हम बोलते हैं जर्दी, तो उससे अलग किया गया वाइट को. नेक्स्ट शी बिगेन टू डैश एट मी, उसने मेरी तरफ घूरना शुरू किया. अब घूरना, घूरने के लिए हम स्टेयर्स ये यूज करते हैं एस टी ए आर ई एस स्टेयर्स. नेक्स्ट द बॉडी कैन नॉट क्रिएट न्यू ब्रेन डैश. न्यू ब्रेन डैश क्या, अब यहाँ पर ये एस ई डबल एल सेल तो होता है बेचना, अब यहाँ पर बेचने से तो मतलब नहीं है, यहाँ पर है कोशिका से ब्रेन सेल ठीक है. नेक्स्ट द कट विल डैश अप इन अ फ्यू डेज. अब कट का मतलब समझते हो ना, जब कट लग जाता है हमारे पैर में या हाथ में कहीं पर भी, तो वहाँ पर तो कट लग गया तो उसको कुछ दिन लगेंगे ठीक है वो घाव भरने में, तो घाव के लिए हम हील एच ई ए एल यूज करते हैं. ओके आई होप समझ में आ गए होंगे आपको आज की एग्जांपल्स होमोफोन्स के. तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर आपको डेली क्विजेज मिलते हैं, एग्जाम अपडेट्स मिलती हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन मिलते हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है, आपके ही बेनिफिट के लिए है. और अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में सिक्स और नाइन्थ क्लास में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं. साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैचेस अवेलेबल हैं. आप डेमो क्लासेस ज्वाइन करिए, डेमो क्लासेस अटेंड करिए, डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए. और अगर आपका किसी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.